नमस्कार जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त ठीक हम बटोत में मौजूद हैं और रोड की हालात जो आपको दिखा रहे हैं कितनी खस्ता हालात, जो नाशरी टनल से लेकर जो बटोत तक रोड है काफी खस्ता हालात, यानी काफी समय से ये रोड इसी तरह है। काफी दिक्कत जो लोगों को आती है, जितनी भी ये रोड है यानी 8 से 9 किलोमीटर ये जो नाशरी टनल से लेकर बटोत तक रोड है, लेकिन काफी खस्ता हालात ये रोड जो बन चुकी है। कोई इस रोड को जो पूछने वाला नहीं है। काफी दिक्कत जो ड्राइवरों को यहाँ पर आती है या जो गाड़ी वाले हैं उनको यहाँ पर आती है, क्योंकि गाड़ियां काफी स्पीड से इस रास्ते से चलती हैं। हालांकि पहले कश्मीर की गाड़ियां भी जब बटोत से गुजरती थी यानी पत्नीटॉप के रास्ते से गुजरती थी तो यही रोड हुआ करती थी, लेकिन जो जब टनल बनाया गया तो उसके बाद डोडा किश्तवाड़ के लिए गाड़ियां यानी पूरे दिन भर यहाँ पर हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, लेकिन काफी खस्ता हालात इस वक्त जो रोड की बन चुकी है। मैं पूरी रोड की बात करूं यानी बटोत तक जो रोड ये पूरी रोड है, तो काफी जो दिक्कत लोगों को इसमें जो चलने को लेकर आती है, काफी समय जो इस रोड में जो लगता है, क्योंकि रोड में बड़े बड़े जो गड्ढे बन चुके हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफी खस्ता हालात ये रोड इस वक्त बन चुकी है, काफी दिक्कत जो लोगों को गाड़ियां चलाने में यहां पर आती है। तो ये रोड की हालात इस वक्त में बटोत से आपको दिखा रहा हूं। जब गाड़ी वाले यहां से गुजरते हैं तो पता नहीं चलता कि जो गड्ढा कहां पर है, काफी स्पीड में गाड़ी होती है। कई बार तो गाड़ियां भी जो खबरें आती हैं कि गाड़ी जो पलट गई है या गाड़ी को जो नुकसान हुआ है, गाड़ी नीचे से जो टूट गई है, तो ये हालात जो इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरों में जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहा हूं। जो रोड है यानी हाईवे ये है, नाशरी टनल तक ये हाईवे है, लेकिन काफी खस्ता हालात इस रोड की इस वक्त बन चुकी है। काफी दिक्कत पूरी रोड की मैं बात करूं, अभी तो मैं एक ही पोर्शन आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पूरी रोड जैसे ही आप जम्मू से आएंगे और डोडा की तरफ किश्तवाड़ की तरफ आएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही काफी जो दिक्कत आती है यानी काफी खराब ये रोड है। जिन लोगों को जो पता नहीं है कि रोड अच्छी होगी, काफी स्पीड से लोग चलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से रोड की जो खस्ता हालात बनी है तो गाड़ियों को कहीं ना कहीं जो नुकसान यहां पर देखने को मिलता है। तो ये हालात इस वक्त में बटोत जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, काफी खस्ता हालात जो पूरी रोड यानी बटोत तक ये रोड है। कई बार लोगों ने जो सवाल भी इसके ऊपर उठाए, शिकायत भी की कि ये रोड जो थोड़ा सा पोर्शन है, क्योंकि भद्रवा के लिए भी इसी रास्ते से गाड़ियां जाती हैं, किश्तवाड़ के लिए, डोडा के लिए, यानी दिन भर जो हजारों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन किस प्रकार से यहां पर जो नजरअंदाज इस रोड को किया जाता है। दिन भर जो एम्बुलेंसेस भी यहां से गुजरती हैं और भी जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, लेकिन ये हालात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो रोड नाशरी टनल से लेकर यानी टोटल शायद 8 से 9 किलोमीटर ये रोड है, लेकिन काफी जो दिक्कत यहाँ पर गाड़ी वालों को यहाँ पर आती है, क्योंकि रोड जो पूरी तरह टूट चुकी है, बड़े बड़े इसमें जो गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर इसकी जो सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। काफी स्पीड से मैं एक बार बताऊं तो काफी स्पीड से जो गाड़ियां आती हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ पर है। बड़े बड़े यहाँ पर जो गड्ढे बन चुके हैं जिनकी वजह से जो गाड़ियों को नुकसान होता है, सवारियों को जो नुकसान होता है। तो ये जो पोर्शन एक मैं आपको बताऊं तो एक पोर्शन से इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी रोड की हालात जिस प्रकार से अभी बन चुकी है तो पूरी रोड खराब है, लेकिन कोई भी इस रोड के ऊपर जो सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ही फासला है, गाड़ियां भी जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि किश्तवाड़ के लिए, डोडा के लिए यहीं से गाड़ियां जाती हैं, बटोत के लिए गाड़ियां जाती हैं, भद्रवा जो टूरिज्म माना जाता है किश्तवाड़ के लिए जो गाड़ियां जाती हैं, टूरिस्ट बाहर से आते हैं, लेकिन कितनी खस्ता हालात इस रोड की इस वक्त है। काफी डेंजर ये रोड यहां पर जो बन चुकी है, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।